अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी रिजवान। आज की नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए जो अपना करियर एज अ सेफ्टी ऑफिसर शुरू करना चाहते हैं गल्फ के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदीया, बहरीन, कतर या ओमान के अंदर। यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है और बहुत स्कोप और बहुत फ्यूचर है। तो सेफ्टी ऑफिसर अगर आप अपना करियर जो है वो एज अ सेफ्टी ऑफिसर शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके कोर्सेज क्या हैं और आपकी जो है वो मतलब सैलरी कितनी एक्सपेक्टेशन है और एक्सपीरियंस के बाद आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा आपके लिए बेस्ट गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर तो पाकिस्तान से जॉब के चांसेस जो है वो कम होते हैं बनिस्बत के जब आप यहाँ पे होते हैं और फेस टू फेस इंटरव्यू देते हैं और मतलब किसी कंपनी में जाके अपनी सीवी लेके जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है वो जॉब के ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए एक कोर्स रिक्वायर्ड है, वो है निबोश, नेशनल एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये यूके सर्टिफाइड कोर्स है और यूके स्टैंडर्ड का कोर्स है। तो ये कोर्स आपको अगर आपने किया हुआ है, चाहे आप पाकिस्तान से करके आए हैं, चाहे आप दुबई से यहाँ से आके कोर्स कर रहे हैं या किसी और कंट्री से जाके कर रहे हैं, तो इस कंट्री की जो कोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हर कंट्री में तकरीबन होती है। तो किसी भी कंट्री में जाके आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो इस कोर्स में जो है वो बेसिकली आपको तीन पेपर होते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आईटीसी 1 होता है वो मैनेजमेंट का होता है, आईटीसी 2 होता है जो वो आपकी होता है कि प्रैक्टिकल फील्ड जितनी भी होती है वो आईटीसी 2 में होता है, और आईटीसी 3 जो है वो मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, उसमें आपने रिपोर्ट बनानी होती है, हैजर्ड आइडेंटिफाइड और उसकी जो है वो कंट्रोल मेजर्स देने होते हैं और समरी बनानी होती है, एग्जीक्यूटिव समरी। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा निबोश के, ये मैं एक दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा निबोश के बारे में कम्प्लीट डिटेल। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप यहाँ आके अप्लाई करें तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान से जो है वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास निबोश जो है वो यूके सर्टिफाइड निबोश कोर्स है जो वो होना चाहिए, आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो निबोश ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से करके आते हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप निबोश कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए ज़रा थोड़ा सा कंपनी में कुछ रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, वो आपको एज अ सेफ्टी ऑफिसर नहीं लेंगे, आपको लेंगे एज अ जूनियर सेफ्टी ऑफिसर या एज अ सेफ्टी असिस्टेंट लेंगे। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे जो है वो असाइन किए जा सकते हैं। तो यूएई के अंदर आके आप अगर कोर्स करते हैं निबोश कोर्स करते हैं, अगर आप किसी और जॉब में हैं तो निबोश आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो एज अ सेफ्टी असिस्टेंट आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपकी सैलरी जो वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होगी वो तकरीबन आपको 3500 से आपको स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, एज अ जूनियर सेफ्टी ऑफिसर। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 3500 से आप स्टार्ट करवाएंगे, वो आपको अकोमोडेशन देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, मेडिकल और ऑल दीज बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपके पास होंगी। तो 3500 मतलब ओवर टाइम लगा के 4000 आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है या पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत कम मैटर करता है, यहाँ का गल्फ की कंट्री का एक्सपीरियंस 2 साल का, तो आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर अगर जाते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 5500 से 6000 के 6000 दिरहम के दरमियान में आपकी सैलरी हो जाती है दुबई के अंदर। तो तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान से कुछ लड़के कोर्स करके आते हैं आयोश मैनेजिंग सेफली और एचएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ये कोर्सेज बेसिक कोर्सेज होते हैं, इनकी जॉब के चांसेस मतलब बहुत लेस होते हैं। इस पे भी आपको जॉब मिल सकती है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिल सकती, आपको जॉब मिल सकती है एज अ जूनियर सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी डिपार्टमेंट में आपको मिल सकती है या सेफ्टी असिस्टेंट में मिल सकती है। तो वो सैलरी उसमें कम देंगे आपको 25 या 3000 तक यहाँ पे आपको स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन आप जब 2 साल का एक्सपीरियंस आप ले लेते हैं तो आपको जो है वो अवेल कर लेते हैं एक्सपीरियंस, उसके बाद आप कोर्स करते हैं तो आगे निकल सकते हैं। तो सैलरी भी मैंने आपको बता दी और रिक्वायरमेंट्स भी बता दी। तो पाकिस्तान में जो मेरे मतलब भाई देख रहे हैं या इंडिया में या बांग्लादेश में, वो अपना कैरियर अगर सेफ्टी ऑफिसर में शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट फील्ड ये है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है इधर गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि दुबई इज़ गोइंग टू बी बिल्ट एंड
Qatar is also going to be built and all Gulf countries are going to be built. So यहाँ पे जो स्कोप है सेफ्टी ऑफिसर का वो बहुत ज़्यादा है. तो आप अगर 4 साल 5 साल 6 साल अगर सेफ्टी ऑफिसर काम करते हैं, उसके बाद अगर आप निबोश डिप्लोमा करते हैं, निबोश का डिप्लोमा आप कर लेते हैं, तो उसमें आपके चांसेस होते हैं. निबोश डिप्लोमा के बाद अगर 2 साल आप काम करते हैं तो सेफ्टी मैनेजर की पोस्ट पर आप जा सकते हैं. सेफ्टी मैनेजर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट इन सेफ्टी फील्ड. तो सेफ्टी मैनेजर की पोस्ट पर आप इजीली जा सकते हैं अगर आपके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और निबोश का डिप्लोमा है. तो इसकी डिटेल वीडियो में आपको अगेन नई वीडियो में डिटेल में आपको नई वीडियो में बताऊंगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और कमेंट में सवाल कर सकते हैं कि कौन सा किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई है या किसी चीज़ को दोबारा पूछना चाहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.